यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर 24 घंटा नफरत फैलाते हैं, डर फैलाते हैं, मगर बात वहां नहीं रुकती है। जैसे आप, जैसे असम में नफरत फैलती है, डर फैलता है, आपके चीफ मिनिस्टर आपकी जमीन चोरी कर लेते हैं। HBS जिसको कहते हैं, उसका कंट्रोलर दिल्ली में बैठा है और वो यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर 24 घंटा नफरत फैलाते हैं, डर फैलाते हैं, मगर बात वहां नहीं रुकती है। जैसे आप, जैसे असम में नफरत फैलती है, डर फैलता है, आपके चीफ मिनिस्टर आपकी जमीन चोरी कर लेते हैं। आप पान खाओ, सुपारी का बिजनेस उसके अंदर उनका। आप सुबह उठो, वो नफरत फैलाते हैं, और जब आप इधर उधर देखते हो, आपके जेब में से कट पैसा निकाल देते हैं। तो ये इनका काम है, देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर। ठीक है, काजीरंगा में जमीन ले ली, अब आप वहां पे काजीरंगा जाओगे, राइनो देखने जाओगे, पता लगेगा चीफ मिनिस्टर की पूरी वहां पे जमीन। शाम को पान खाओगे, पता लगेगा भैया चीफ मिनिस्टर का पान है। मीडिया देखोगे, टीवी देखोगे, टीवी के पीछे चीफ मिनिस्टर। तो जो भी आपको टीवी वाले, मीडिया वाले बता रहे हैं, वही बता रहे हैं जो असम का चीफ मिनिस्टर चाहता है। अच्छा, असम का चीफ मिनिस्टर, असम के चीफ मिनिस्टर का कंट्रोल किसके हाथ में? नहीं भाई, अमित शाह के हाथ में, अमित शाह के हाथ में। तो अगर इसने चू भी कहा, अमित शाह के खिलाफ चू भी कहा इसको, इसने इसको 2 मिनट में लात मार के भगा देंगे। और हेमंतो, हेमंतो HBS जिसको कहते हैं, उसका कंट्रोलर दिल्ली में बैठा है और वो देश का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर है। अब पता नहीं कहां से इसके दिमाग में आइडिया आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता। जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं नहीं डरता। मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं आरएसएस से नहीं डरता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने केस डाले, 24 लगाए, 25 लगाए, 25 और लगा दो, लो मजे लो। मैं बताऊं आपको एक बात।